तेरी याद आ गई और मैं आपका सैयद सरवत जोहा। बीते दिनों की यादों को कैसे मैं भुलाऊं, ऐ दिल कैसे मैं भुलाऊं। बीते दिनों की याद, हमने यादों के दरीचे खोले हैं आज इस प्रोग्राम के जरिए। आप भी सफ़र कीजिए हमारे साथ माजी का। मुझे यकीन है इस प्रोग्राम को देखने के बाद, इन गीतों को सुनने और देखने के बाद आपको बहुत कुछ याद आएगा। रेडियो पर इन गीतों का शोर रहता था, बाजारों में ये गीत बजते रहते थे, स्कूल कॉलेज जाते हुए और स्कूल कॉलेज से घर वापस आते हुए बसों में इन गीतों का बजना रोज का मामूल था। यादों के दरीचे से झांकिएगा तो आपको एहसास होगा कि वक्त के साथ साथ हमने इन नगमों को फरामोश कर दिया। और आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में यही कोशिश करते हैं कि हमारी बेहतरीन मौसीकी, हमारे बेहतरीन फनकार, हम उनको खराज अकीदत भी पेश करें और उनको याद भी रखें। इस प्रोग्राम की पसंदीदगी में मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों का बहुत हाथ है। आपकी पसंदीदगी ही हमारे इस सफ़र को जारी रखने में हमारी मदद करेगी। मेरी वो बहनें जो बहुत शौक से प्रोग्राम देखती हैं, कमेंट्स भी देती हैं, राय भी देती हैं, आज मेरा दिल चाह रहा है कि इस प्रोग्राम का आगाज़ मैं एक ऐसे नगमे से करूं जो मैं ये कह सकता हूं कि मैं अपनी बहनों को डेडिकेट कर रहा हूं। अहमद रुश्दी की आवाज़, माजी का एक खूबसूरत नगमा बहनों के लिए। छोटी सी ये तितली उड़ के चली, कोई ले जाएगा दुल्हन बना के। छोटी सी ये तितली उड़ के चली, कोई ले जाएगा दुल्हन बना के। आज है बाबुल का घर तेरा, कल एक देश पराया। आज है बाबुल का घर तेरा, कल एक देश पराया। ऐसे तू चूल्हा संग गहना, जैसे धूप अब साया। तुझको मिले खुशियाँ सदा, भैया की दुआएं तेरे साथ रहेंगी। छोटी सी ये तितली उड़ के चली, कोई ले जाएगा दुल्हन बना के, दुल्हन बना के, दुल्हन बना। छोटी सी ये तितली उड़ के चली। सास ननंद का प्यार मिले तो हमको भूल न जाना। सास ननंद का प्यार मिले तो हमको भूल न जाना। भूल गई कहना भैया को, ये न कहे जमाना। होगी न तू दिल से जुदा, मीठी मीठी बातें तेरी याद रहेंगी। छोटी सी ये तितली उड़ के चली,
कोई ले जाएगा दुल्हन बना के, दुल्हन बना के, दुल्हन बना के। छोटी सी ये तितली उड़ के चली। मेरे इस प्रोग्राम में साथी आसिफ सलीम से उनके दोस्तों ने पूछा कि भाई ये कौन सा रोग लगा लिया है, ये तेरी याद आ गई का मामला क्या है। आसिफ ने उनको इशारे किनारे में अपने गम बताए और फिर ये भी बताया कि दर हकीकत ये गम शुरू कैसे हुआ था। तेरी दोस्त से पहले हमें कोई गम नहीं था, गम आशिकी से पहले। है ये मेरी बदनसीबी, तेरा क्या कुसूर इसमें है, ये मेरी बदनसीबी, तेरा क्या कुसूर इसमें। तेरे गम ने मार डाला मुझे जिंदगी पहले। कभी प्यार था हमें भी तेरी चांदनी से पहले। मैं कभी न मुस्कुराता जो मुझे अस्सलामुअलैकुम, मैं आसिफ सलीम आज आपके सामने फिर हाजिर खिदमत हूँ वही आपका पसंदीदा और दिलचस्प प्रोग्राम। जी क्या बताऊँ मैं, जी हाँ तेरी याद आ गई है। जी आपकी पसंदीदगी ही हमारे लिए बाइस फ़ख्र है, हमारे साथ रहें ताकि ये हम अपना सफ़र जारी रख सकें और आपको हम माजी के दरीचों में घुमाते रहें। भला कौन उसे जान छुड़ा सकता है। जी यानी कि अपनी याद माजी से कौन अपनी भला जान छुड़ा सकता है। तो हम आज आपको माजी के बहुत शानदार मिले जुले नगमे और गीत सुनाएंगे। कितनी बार मिले हैं लेकिन आज भी यूं लगता है कि जैसे मिले हो पहली बार। मंजिल मंजिल सा
बजाते रहेंगे प्यार की इन राहों में, ये दुनिया लाख बने दीवार, कितनी बार मिले हैं। दीदार के तुझ बिन जीना है बेकार, कितनी बार मिले हैं लेकिन आज भी यूं लगता। बाजी के हवाले से हम कभी भी सलीम रजा को फरामोश नहीं कर सकते। जी हाँ, सलीम रजा एक खूबसूरत आवाज के ही मालिक नहीं थे बल्कि एक मीठी आवाज के भी मालिक थे। वो गाने बहारा रश्क चमन गुंजा दहन सीमी बदन है जाने मन जाने बहारा पे फिदा रफ्तार जैसे मौज सदा रंगी अदा तौबा शिकन है जाने मन जाने बहारा रश्के चमन गुंज
ज्यादा हंसी मी बदन है जाने मन जाने बहार। सलीम रजा की बात हो तो उनका ये मशहूर तरीन नगमा अगर ना सुने तो ये ज्यादती होगी। आपको भी इंतजार होगा, आइए देखते हैं और सुनते हैं। देखें तेरी रफ्तार तो गुजरे न जमाने, देखें तेरी रफ्तार तो गुजरे न जमाने, कदर है ये बाजू ये थिरकते हुए शाने, ये थिरकते हुए शाने, शानों पे ये उड़ती हुई जुल्फों की घटाएं, सब मिल के तेरी मस्त जवानी को सजाएं, ये नाज ये अंदाज ये जादू ये अदाएं। शोला कभी बिजली कभी जुगनू कभी तारा, कभी बिजली कभी जुगनू कभी तारा, जैसे कोई बहती हुई मचली हुई धारा, कदमों में तड़पती हुई घुंघरू की सदाएं, सब मिलके तेरी मस्त जवानी को सजाएं, ये नाज ये अंदाज ये जादू ये अदाएं। शमा का शोला भड़क रहा है दिल परवाना धड़क रहा, रंग बदलती रात बड़ी रंगीन है, खोई बड़ी संगीन है। नाज़रीन आसिफ सलीम हमें अभी बहुत पीछे ले गए, मैं ज़रा सा थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और कमाल और निशो पर फिल्म बन किया हुआ अहमद रफ़ी की आवाज़ में ये यादगार नगमा आपको दिखाता हूँ और उसके बाद हम दोबारा पीछे आएंगे और देखेंगे माजी के चंद और यादगार नगमे। ये फूल सा चेहरा बन जाए ना शोला, ये फूल सा चेहरा बन जाएगा शोला, खफायों दहो तो मर जाएंगे, ये फूल सा चेहरा बन जाएगा शोला। ऐसे दामन छुड़ा के जो तुम जाओगे, ऐसे दामन छुड़ा के जो तुम जाओगे,
खुद भी तड़पोगे हमको भी तड़पाओगे, फिर वापस ये नहीं आएंगे, रह रह के हमें तरसाएंगे, ये लम्हे अजल यूं गुजर जाएंगे, ये फूल सा चेहरा बन जाएगा शोला। इतना रूठो के कोई मना भी सके, इतना रूठो के कोई है मना भी सके, बात बिगड़े तो कोई बना भी सके, इतना भी बिगड़ना ठीक नहीं, अपनों से यूं लड़ना ठीक नहीं, तुम्हारे बिना हम किधर जाएंगे, ये फूल सा चेहरा बन जाएगा शोला। काली आंखों में काजल पिघल जाएगा, काली आंखों में काजल पिघल जाएगा, गोरे बालों का नक्शा होय 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 बदल जाएगा, इस प्यारी प्यारी सूरत को। मुझे इस बात पे कामिल यकीन है कि आप मेरे साथ बहुत पीछे चले जाएंगे, बहुत पीछे ज़रूर चले जाएं, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, ये प्रोग्राम अभी आपको पूरा देखना है। Thank you.
सरदार जोहर ने रूना लैला का यादगार नगमा आपको दिखाया, मगर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ रूना लैला का वो फिल्मी गीत। जी हाँ, फिल्म हम दोनों। इस गीत के बाद ही रूना लैला ने अपने कामयाबी का सफर शुरू किया। आइए देखें। उनकी नजरों से मोहब्बत
मुमकिन है कि आप शायद थक गए होंगे। नहीं जी, मुझे यकीन है कि आप थके नहीं होंगे। या आप सोने की तैयारी तो नहीं कर रहे? अच्छा, वो भी नहीं है। चले, ऐसा ना करें। ऐ दिल अभी न सोना, ये फुर्सतें न खोना। ऐ दिल अभी न सोना, ये फुर्सतें न खोना। होगा है जो भी होना, की फिक्र है अभी से है रात रात भर के। माजी का एक मशहूर नगमा देखें, अदाकारा यास्मीन, और ये खूबसूरत नगमा आप मुझे बताएं कि आप भला कितने अरसे बाद सुन रहे हैं। दिल की धड़कन तेरी आवाज हुई जाती है, जिंदगी कितना हसीन राज हुई जाती है। दिल की धड़कन तेरी Yeah.
माजी की फिल्मों की बात होती है तो दर्पण और नैयर सुल्ताना का जिक्र लाजिम है। दर्पण और नैयर सुल्ताना पे फिल्म बन किया हुआ एक यादगार नगमा आपके लिए। तुझे जब पा लिया मैंने खुदा से और क्या मांगू, मैं क्यों आमन को फैलाऊं, मैं क्यों कोई दुआ मांगूं। अगर भूले से हो जाए मुकद्दर मेहरबान मुझ पर, अगर भूले से हो जाए मुकद्दर मेहरबान मुझ पर, तो मैं हर शय को ठुकरा कर फकत तेरी वफा मांगूं, दामन को फैलाऊं, कोई दुआ मांगूं। बिखराए मेरी बाहों की वादी में, जो तू जुल्फों को बिखराए मेरी बाहों की वादी में, तो मैं सपनों के सामने कभी है की सदा मांगूं, दामन को हमारे पास
आने वाली फरमाइशों में एक बड़ी तादाद पंजाबी गीतों की फरमाइश की है। हम और वो फरमाइश पूरी ना करें ये कैसे मुमकिन है। बादाम नूरजहां का ये मशहूर गीत, आइए क्या याद करेंगे, इस माहौल में रहिए। ये ले बाजी से एक और पंजाबी गीत आपको हम सुनवाते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम हमारा पसंद आया होगा। इसी तरीके से हमारे साथ आप बंधे रहिए, अपनी राय दीजिए, अपने मशवरे दीजिए। हम इंशाल्लाह इसी तरह से आपके सामने खूबसूरत से खूबसूरत प्रोग्राम पेश करते रहेंगे और आपको याद माजी के उन दरीचों में घुमाते रहेंगे और फिराते रहेंगे। और इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में भी और अपने फैमिलीज में भी। बहुत शुक्रिया, अपना और अपने करीब के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इस प्रोग्राम को अपने दोस्तों और अहबाब में मुतारिफ करवाएं। दिल चाहे तो इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को कहें कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा सफ़र जारी रह सके। प्रोग्राम का आगाज़ मैंने एक नगमे से किया जो अपनी बहनों को डेडिकेट किया।
میری وہ بہنیں جو یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، امید ہے ان کو وہ نغمہ پسند آیا ہوگا۔ تو میں پروگرام کا خاتمہ بھی ایک ایسے نغمے پہ کرتا ہوں جو اسی ماحول کا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اس نغمے میں ایک بہن اپنے بھائی کے لیے دعا گو ہے۔ مجھے اور آصف سلیم کو بھی آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔